हेलो गाइस, राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, देखिए। और आज मैं जा रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा नेक काम करने, और वो नेक काम क्या है सो मैं आपको प्रॉपर तो नहीं दिखाऊंगी, पर कुछ कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी। मैं बाहर जा रही हूँ और बस ये देख लो कि किसी को उसका परिवार दिलवाने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैं उसका एक जो है परिवार उसे दिलवाने जा रही हूँ। और इस काम के लिए आप लोगों का मुझे साथ चाहिए, क्योंकि आप लोगों के साथ से ही मैं ये कर सकती हूँ। तो अभी मैं निकलने वाली हूँ कि बहुत ही अच्छा काम करने जा रही हूँ मैं। सो इसलिए गाइज मुझे आप लोगों का साथ और प्यार चाहिए। सो मेरे साथ ऐसे ही बने रहें और मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं इस काम में जो है सफल हो जाऊँ। तो चलते हैं गाइज और अपनी यात्रा करती हूँ शुरू। सो गाइज देखिए, मैं निकल चुकी हूँ। अभी मेरे साथ मेरी टीम की एक मेंबर हैं, अभी दो और आएंगी और फिर हम लोग जो है जाएंगे। और जिस मिशन के लिए हम जा रहे हैं उस मिशन को हम सक्सेसफुल जो है करके ही लौटे थे। और वो क्या मिशन था सो वो मैं आपको आने वाले ब्लॉग्स में बताऊँगी, अभी तो नहीं बता सकती। और सो बस आप लोग रास्ते का व्यू देखिए कितना अच्छा है, मैं जहाँ जहाँ भी गई हूँ और जो जो भी मैंने किया है वो आप रास्ते में देख ही सकते हो मैं कहाँ गई थी और कैसे कैसे मैं रास्तों से आई हूँ गई हूँ। सो ये सारा व्यू रास्तों का ही है, गाँव का है, देखिए जो पूरे प्रॉपर गाँव होते हैं तो उनमें गई थी मैं। बाकी ये रोड आप लोग देख के समझ जाना कौन सा था, मैं कहाँ जा रही थी और मैं किसी काम के लिए गई थी। सो वो काम हमारा हो गया था बहुत अच्छे से परमात्मा की दया से और आप सबके साथ से। सो अब मैं आ गई हूँ, देखिए कहाँ पर आप मुझे जो लोग पहचान जाओगे उनको पता लग ही जाएगा मैं कहाँ गई थी। और गाइज बस मैंने यहाँ पर जो है वॉइस ओवर ही किया है, क्योंकि बीच बीच में वॉइस हमारी आ रही थी और नहीं भी आ रही थी। और ये एक बहुत ही सुंदर इमारत यहाँ पर बनी हुई थी, सो मैंने इसका थोड़ा सा जो है शूट ले लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी ये एरिया देख लीजिए कौन सा है, मुझे तो नहीं पता। देखिए मेरे साथ मेरी टीम बैठी हुई है, मेरी मातृशक्तियाँ हैं, आधी टीम थी मेरे साथ, बाकी का तो मैं कुछ कह नहीं सकती। पर मैं और यहाँ पर ना कुछ लोग माता की ये चौकी लेकर जा रहे थे देवी पर पैदल, और कुछ डीजे साउंड भी था। गाइज ये वापसी की क्लिप है, एक स्कूल मिला था रास्ते में, उससे बच्चों की जो है छुट्टी हो रही थी। तो देखिए आप अच्छा जी, ऐसा भी है सीन, ऐसा सीन भी था पहले, उन्होंने कुड़ियां कटिया बाहर हूं मुंडे। किसान विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। हाँ सही बात है। और गाइस देखिए ये पुल ऐसे लग रहा है जैसे हम ट्रेन से जा रहे हों, बहुत ही सुंदर व्यू था। सो मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए कैप्चर किया है रोड का। सो गाइस आप लोग देख सकते हो मैं कहां पर एंटर कर रही हूं, और ये वापसी की क्लिप है, जाने वाली मैंने थोड़ी बहुत ही बनाई थी, ये वापसी की है, मैं वापस आ रही हूं। और ये टाइम आई थिंक 3:30 बजे का था जी भी थे तो पहले रेस्ट करो। नहीं मैं आपको सीरियसली कह रही हूं नाना, मैं आपको बोल रही हूं आप ताला लगा के निकला करो। यहाँ हमें लग गई थी भूख, तो ये सैनी के स्वीट हाउस पे हम आए थे, यहाँ पर हमने चाय पकौड़े समोसा ही खाया था। सो इसलिए भूख बहुत लग रही थी क्योंकि मिशन में इतने बिजी हो गए थे, खाना भी नहीं खाया था। सो हमने फिर यही वहाँ पर खाया और वहाँ से फिर हम लोग निकले थे।
और गाइस फिर आ गए थे पकोड़े और चाय थी। सो हम लोगों ने फिर ये थोड़ा बहुत जो है नाश्ता किया और कुछ सहारा हुआ हमें। सो फिर हम लोग वहाँ से निकले घर के लिए। ब्लॉग बना देती हूँ। ये कौन सी जगह है? ये रायपुर। एक मिनट इधर होना, मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना। सो गाइस हम लोग आए थे रायपुर रानी से निकल रहे थे तो हमने चाय पीनी थी। सो यहाँ पर हमें ये शॉप अच्छी लगी है और ये सैनी स्वीट हाउस है ना। सो ये यहाँ पर अंकल जी हैं और बाकी आपकी चाय पकौड़े समोसा बहुत टेस्टी था भैया। तो चलते हैं जी, फिर मिलेंगे। तो दिखाते हैं यहाँ से, ये ले लेते हैं ना। चलो ठीक है जी। गड्डी आई है ना, किधर और जना बैठ गए सी। आओ जी, लो कैब। सो गाइस अब हम निकलने लगे हैं यहाँ से चाय समोसे खाकर। और ये हाँ डस्टी है, बैठो जी। इसका ना काम चलता है, बंदे का बहुत। इसकी ट्रिपल ट्रिपल स्टोरी है इसकी। पैकिंग पैकिंग का भी काम है इसके ना, पैकिंग सामान बहुत अच्छा है पर। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं रायपुर से, चाय पी ली है क्योंकि काफी थोड़ा था हमें चाय पीने का सबको। और ये मीनू बैठी है पीछे। हेलो, हाँ जी, इधर पूजा। तो वो निकल रहे हैं गाइस, अब सीधा जाएंगे घर ही। अच्छा जी, बट ठीक है, कोई नहीं, दिन छोड़ूंगा। और गाइस मैं जो है आगे बैठी हुई थी क्योंकि मुझे व्लॉग शूट करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि पीछे बैठकर व्लॉग नहीं बनता, व्लॉग जो है आगे से ही शूट होता है, इसलिए जो है मैं आगे ही बैठकर गई थी और आई थी क्योंकि मुझे अपना व्लॉग का काम भी तो देखना है ना जी, इसलिए मैं आगे बैठी थी। गाइज इसलिए जो है मैं आगे बैठकर गई थी, कुछ लोग सोचेंगे कि कार में आगे बैठ के जाती है, तो जी देखो काम तो करना ही है ना अपना, सो इसलिए आप लोगों के लिए ही तो कैप्चर करती हूँ ना मैं बहुत अच्छी सी वीडियो, इसलिए। बाकी यहाँ का व्यू देखिए कितना सुंदर है, देखिए गाइज पहाड़ भी दिख रहे थे, बड़ा प्यारा व्यू था। सो आप लोगों के लिए मैं ऐसे ऐसे कैप्चर करती हूँ। और गाइज कमेंट करके बताना मेरी वीडियो कैसी लगती है, करते तो हो नहीं है, मेरा तो दिल ही तोड़ देते हो, तो पहले ही दिल कमजोर है, ऊपर से आप दिल तोड़ देते हो गाइज। अच्छा वो उससे बात करनी होगी ना, वो मेरा ही पर्सनल कॉन्टेक्ट दिया है ना, इसका कुछ है नहीं ना, देना पड़ेगा, पर आप अच्छी बचा रखी इसके दोस्तों ने। हाँ ये तो है, ये हमने भी 10th के बाद ही दिया था, अभी मत देना। इधर ये ले तो रही हूँ इधर से, ये देखो इधर का व्यू देखो ना, पहाड़ों वाला व्यू है। यहाँ किसी दिन पिकनिक मनाने, हाँ यहाँ पे चलो देख लेना, जो आ सकी वो आ जाएगी, चला के बोल ग्रुप से अलग चलेगी। क्या हाँ उसका रमंडा उतार देगी भैया करी इन लोगों ने, ये बनेगा तो पार्क, लेकिन यहाँ ना रश बहुत रहा करेगा। टिकट सिस्टम होगा यहाँ पे? नहीं वैसे भी रोड पे भी रश बहुत रहा करेगा। इसके अंदर भी वोटिंग होती है ना, उसकी टिकट 100 रुपए है, अंदर भी होती है, अंदर 100 रुपए है, ये नीचे जाओ 200 रुपए टिकट है, और उसकी 800 रुपए है, जो अकेला बंदा जाता है ना। हजार थी लेकिन वो थोड़ा जानकारी निकल गई तो 800 लिए थे उन्होंने, अब 500 कर दिए। अच्छा 500, वो फिर जा नहीं रहा था ना कोई ज्यादा करके, इसलिए मुझे तो हथनी कुंड के नाम से। हेलो, राम राम जी प्रणाम जी। पहले यहाँ पे ऊँट भी होता था, अब नहीं है, न्यू ईयर पे आते हैं वो। अच्छा आए थे न्यू ईयर पे, आ रहा था चला यूपी में। अच्छा बहुत भीड़ थी। अच्छा तो
गाइज देखिए अब हम लोग आ गए हैं अपने घर की तरफ वापसी। ये रोड तो आपको पता ही है। सो मैं और मेरे ग्रुप की जो माता शक्ति हैं वो मेरे साथ गई थी इस काम में, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मेरा साथ दिया एज अ टीम की तरह वो मेरे साथ गई। और आगे भी आप लोग मेरा ऐसे ही साथ देना, तो थैंक यू सो मच माई लवली फ्रेंड।